तो वहीं अल्मोड़ा में गौ हत्या का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने गौ हत्या का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, भतरौज खान में हुई गौवंश को काटने में इस्तेमाल हथियार पिकअप बरामद कर चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामले को लेकर एसएसपी ने पकड़ने वाली टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। एक हमारे भतरौज खान थाना क्षेत्र में गौकशी की घटना हो गई थी, जो कि काफ़ी सनसनीखेज भी थी और हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से भी इसका हमारे लिए बहुत ही महत्व था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसकी ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए, जनपद की 3 अच्छी टीमों की मेरे द्वारा इसमें गठन किया गया था, ताकि इसका शीघ्र अनावरण हो सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि 72 घंटे के अंदर ही लगभग हम इस केस के अनावरण के आसपास पहुंच गए थे और आज इस घटना का हम खुलासा कर रहे हैं। इसमें जो शामिल 4 अभियुक्त थे, चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया। इसमें शामिल जो वाहन थे उसको भी हमने बरामद कर लिया है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि घटना 1 तारीख को शाम को 6 बजे से लेके लगभग 11 बजे के मध्य इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद ये जो भी ये था सामान वो लेके ये रामपुर की तरफ चले गए थे, क्योंकि घटना काफ़ी सनसनीखेज थी और बड़े अच्छे ढंग से हमारी टीम ने इसका खुलासा किया है। तो इसके लिए मेरी तरफ से टीम को 5,000 रुपये की रिवार्ड की भी घोषणा की जा रही है।